अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम माइक्रोमीटरी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। माइक्रोमीटरी एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए हम स्मॉल सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड सेल्स का साइज़ मेजर करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। तो सपोज़ आपको एक सेल दिया जाता है और कहा जाता है कि इसका साइज़ मेजर करना है, तो उसके लिए आपको माइक्रोमीटरी की टेक्निक सीखनी ही पड़ेगी। तो आइए इस लेक्चर के अंदर हम उस टेक्निक को स्टडी करते हैं। हमारी आंख जो है वो तकरीबन 50 से 100 माइक्रोमीटर साइज़ की चीज़ों को देख सकती है। इससे अगर साइज़ छोटा है तो उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ यूनिट्स हैं, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। मीटर एक स्टैंडर्ड यूनिट है और मीटर से छोटी यूनिट आ जाती है मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर कितने बराबर होगा 1/1000 मीटर के? तो इसे हम सेकंड अल्फाज में ऐसे लिख सकते हैं, 10^-3। फिर मिलीमीटर से स्मॉलर यूनिट आ जाती है माइक्रोमीटर, और 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर। और माइक्रोमीटर से स्मॉलर यूनिट होती है नैनोमीटर, और नैनोमीटर बराबर होता है 1/1000 माइक्रोमीटर। सो इसे हम सिंपली 10^-9 लिख सकते हैं। तो ये कुछ यूनिट्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये जो माइक्रोमीटर में 50 माइक्रोमीटर से अबव का जो साइज़ है उसे हमारी आँख देख पाती है, उससे शार्टर साइज़ के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो एक सेल है उसका साइज़ तकरीबन 40 माइक्रोमीटर से स्मॉलर ही होता है। तो सेल को आप देख पाएंगे सिर्फ माइक्रोस्कोप के ज़रिए, और सेल का साइज़ मेजर करने के लिए आपको माइक्रोमीटर की टेक्निक सीखनी पड़ेगी। तो सपोज़ ये एक सेल है जिसे माइक्रोस्कोप के अंदर आपने देख लिया, रेड कलर में ये सेल है। अब आपने इसका साइज़ मेजर करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, एक स्केल आता है जिसे आईपीस ग्रेटिक्यूल कहा जाता है। ये आर्बिट्री स्केल है, इसमें यूनिट्स होती हैं 0 से 100 तक। कुछ लाइनें होती हैं जिन्हें हम एक यूनिट कहेंगे, हर लाइन एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रही है। सो यहाँ पर 100 यूनिट्स हैं। तो ये जो आईपीस ग्रेटिक्यूल होता है, ये जो माइक्रोस्कोप है उसके लेंस में आता है, जो आईपीस वाला लेंस होता है ना, वहाँ पर ये स्केल इनबिल्ट होता है। और इसे आप जब सेल के ऊपर रखेंगे तो आपको सेल इस तरीके से नज़र आएगा। सपोज ये एक सेल है, तो इसे जब हमने देखा तो आईपीस ग्रेटिक्यूल में ये 40 यूनिट से 100 के दरम्यान में आ चुका है। तो आप ये वैल्यू नोट कर लो, कर लोगे 60 - 40 करोगे तो 20 यूनिट्स के बराबर का साइज़ है आपके सेल का। बट आपको इन यूनिट्स का पता नहीं है कि ये सेल, ये जो स्केल है इसका एक यूनिट का लेंथ कितना है, उसको आपने एग्जैक्टली मेजर करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको इतना पता चल चुका है कि जो आपका सेल है वो आईपीस ग्रेटिक्यूल में 20 यूनिट्स के बराबर आया है, उसका साइज़ 20 यूनिट के बराबर है। तो ये आप नोट कर लोगे। अब नेक्स्ट काम आप क्या करोगे कि इस स्केल को, जो आर्बिट्री आईपीस ग्रेटिक्यूल वाला जो स्केल है, इसे आप कंपेयर करोगे एक स्टेज माइक्रोमीटर के साथ। स्टेज माइक्रोमीटर, याद रखिए, एक एक्यूरेट स्केल है, कैलिब्रेटेड स्केल है, जिसकी लेंथ मिलीमीटर के अंदर होती है, यानी मिलीमीटर में इसके हमें यूनिट्स मिलते हैं। और इस स्केल के साथ आप आईपीस ग्रेटिक्यूल को मैच करेंगे। इस तरीके से मैच करेंगे कि फर्स्ट लाइन बिल्कुल 0 के साथ और 0 वाली लाइन 0 के साथ मैच हो जाए, और 100 वाली लाइन, जो आईपीस ग्रेटिक्यूल की 100 वाली लाइन है, वो स्टेज माइक्रोमीटर की एंड लाइन के साथ मैच हो जाए। यानी आप ये स्केल बिल्कुल मैच हो चुके हैं। अब इस स्केल की वैल्यू तो हमें पता है, ये 0.1 मिलीमीटर है, 0.2 मिलीमीटर, और इसका एंड कहाँ पर हो रहा है, 0.25 मिलीमीटर। सपोज ये वैल्यू मैंने आपको समझाने के लिए बताई है, ये वेरिएट कर सकती है। तो ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब आप समझ चुके हैं कि ये जो आईपीस ग्रेटिक्यूल के 100 यूनिट हैं वो कितने के बराबर हैं, 0.25 मिलीमीटर के बराबर हैं। तो आप लिख लेंगे कि 100 आईपीस यूनिट इज इक्वल टू 0.25 मिलीमीटर। अब आपने क्या करना है, इस एक आईपीस यूनिट को मैयर करना है। नाउ 1 आईपीस यूनिट को मैयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 0.25 मिलीमीटर जो टोटल साइज़ है उसको आप 100 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 100 यूनिट्स हैं टोटल आईपीस ग्रेटिक्यूल में। जब 100 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक आईपीस ग्रेटिक्यूल यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, विच इज़ 0.0025 इन दिस केस, और ये मिलीमीटर के अंदर है। अब आपने करना क्या है कि मिलीमीटर को माइक्रोमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि सेल्स के साइज़ जो है वो बहुत स्मॉलर होता है, माइक्रोमीटर के अंदर आता है। तो आपको मिलीमीटर को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है। मिलीमीटर को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, इस यूनिट को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि माइक्रोमीटर स्मॉलर यूनिट है। तो इसको जब आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू निकल करके आ जाएगी 2.5 माइक्रोमीटर। इसका मतलब ये है कि इस आईपीस ग्रेटिक्यूल में ये जो एक लाइन है, एक यूनिट है, ये बराबर है 2.5 माइक्रोमीटर के। अब आप सेल का साइज़ इजीली मेजर कर सकते हैं, जिसे आप जानते हैं कि आपका जो सेल था वो यहाँ पर आया था 40 से
60 के दरमियान में आया था। सो 40 से 60 के दरमियान में आने का मतलब यह है कि इसके कितने यूनिट बने थे, आपके सेल ने कितने यूनिट को घेरा था, 20 यूनिट को, और एक यूनिट का लेंथ कितनी है, 2.5 माइक्रोमीटर है। तो आप 20 यूनिट की लेंथ को 2.5 माइक्रोमीटर के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 250 माइक्रोमीटर का साइज़ आ जाएगा। इसका मतलब है जो आपका सेल था उसका साइज़ 50 माइक्रोमीटर है। तो इस तरीके से आप किसी भी सेल के अंदर की स्ट्रक्चर के साइज़ को मेजर कर सकते हैं और मैग्निफिकेशन को भी मेजर कर सकते हैं, बट वो इस लेक्चर में हम कवर नहीं करेंगे। सो होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।